सो है गाइस, वेलकम अगेंस्ट टू माय चैनल। तो सभी का स्वागत है ब्रो मोटर टॉक में। तो गाइस, आज हम लोग होंडा शोरूम में आए हुए हैं, जो कि शोरूम का नाम है सिंह होंडा शोरूम। तो गाइस, हम लोग यहां पे जो कि रिव्यू करने आए हैं वो है अपनी स्कूटी, और जो कि स्कूटी का नाम है एक्टिवा 125H स्मार्ट, जो कि होंडा की ये धड़कन है। तो हमारे साथ ये भैया प्रबल भैया, आपका जी हमारे साथ ये प्रबल भैया हैं, तो हम लोग के साथ कुछ जानकारी ये देने की कोशिश करेंगे। तो भैया, ये स्कूटी के बारे में बताइए, कलर कौन सा? ये कलर आपका है स्काई ब्लू में। तो क्या कलर है आपका? विद डिस्क। अच्छा, तो क्या प्रबल, ये क्या इसका खासियत क्या है, इसको इसे स्कूटी को एच स्मार्ट क्यों कहते हैं? एक्चुअली इसमें आपका 7 सेंसर दे दिए हैं आपके जी। इसमें आपका जो साइड स्टैंड आता है, भी सेंसर स्टैंड आता है आपका। अच्छा, सेंसर पर साइड स्टैंड लगा होगा जी, तो आपका स्कूटी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा जी, पहला ऑप्शन। इसमें आपका जो मीटर है आपका, तो एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर है आपका। ये आप मीटर चालू करके दिखा सकते हैं जी? एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर है जी। इसमें आपके फीचर्स ये स्विच है, एक मिनट फिर से ऑन करके। ये आपका स्विच ऑफ मोड पे है। हाँ। पहले हम इसका फर्स्ट फ्यूल सीट पे आया, पुश करेंगे फिर ऑन, उसके बाद पुश किया फिर इग्निशन मोड पे आ गए। अच्छा, ये इग्निशन मोड पे आने के बाद आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। हाँ। डिस्प्ले पे आपको आपके जो इसमें फीचर्स है, हाँ, आपको टाइम क्या हुआ है जी, एवरेज क्या निकाल रही है, और आपका जो इसमें रेंज है, इसमें जो फ्यूल पड़ा हुआ है टैंक में, उसमें कितने किलोमीटर आप आगे जा सकते हो। अच्छा अच्छा, वो रेंज भी आपकी दिखाएगा। अच्छा, तो कितना माइलेज ये देती है स्कूटी? ये माइलेज आप देती है, मिनिमम माइलेज देती है 45 to 50। अच्छा, तो 45 to 50, क्योंकि ये एक्टिवा हमारी 125 सीसी की ये स्कूटी है, तो ये हमें 45 टू 50 इन सिटी में ये हमें माइलेज दे देती है। तो या आप हमें कुछ इसके लाइट के बारे में बताएंगे, कैसा क्या है? जी जी, तो मैंने जब इसको स्विच को फ्यूल सीट पिलाया, हाँ, तो आपका ये फ्यूल खुल गया बैक साइड में। हाँ, ये जैसे कार में होता है। हाँ। फिर इसके बाद हमने आपका सीट खोली, सीट खोलते आप देखेंगे इसके अंदर आपको टूल किट्स मिल जाएंगे। अच्छा, टूल किट्स यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। आपका फर्स्ट एड किट है आपका, ये सेंटर लॉक होता है, जब भी आपने सीट को रखना है, लॉक करना है, हमेशा यहाँ सेंटर पॉइंट पे पुश किया हल्का सा, आपकी सीट तुरंत लॉक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है आपका कि इसमें आपका जो सीट रखा है, इसमें आपका रिमोट बेस पे है। अच्छा, रिमोट बेस, इसलिए ये स्मार्ट कहलाती है। स्मार्ट है, आप जब भी रिमोट को आप लेते जाएंगे स्कूटी के 2 मीटर रेंज के बाहर, स्विच देख रहे हैं ना, ये आपका ऑटो लॉक हो जाएगा। अच्छा, तो जाइए आप, काम नहीं करेगा। 2 मीटर कितना दूरी? 2 मीटर। 2 मीटर आपके जो इसके इंडिकेटर्स हैं, हाँ, ये आपके ब्लिंक करके, हाँ, लॉक कर देंगे इसके स्विच को। अच्छा, जाइए जरा, ये भैया 2 मीटर दूरी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ब्लिंक तो हुआ, ठीक है। हाँ, आपकी स्कूटी जो है ऑटो लॉक हो गया, ये ऑटो लॉक हो गई। आप स्विच में 2 मीटर रेंज के बाहर काम नहीं करेगा। हाँ, हाँ, नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, नहीं घूम रहा है। जैसे ही मैं 2 मीटर रेंज के अंदर आऊंगा, हाँ, यही स्विच आपका मरेंज में आ गया। तो जब आप नजदीक आएंगे तब ब्लिंक नहीं करेगा? नहीं, ब्लिंक नहीं करेगा। 2 मीटर रेंज के आते ही मेरे 2 मीटर रेंज में, हाँ, स्विच आपका काम करना शुरू कर देगा। अब घुमाइए जरा, मैं ही घुमाता हूँ, मैं ही घुमाता हूँ। जी जी, रेंज में आ गया हूँ। हाँ, अब घूम गया, अब घूम गया। सेफ्टी फीचर आपका हो गया। अच्छा, ठीक है। और अभी आपको मार्केट में खड़ा करना है तो हैंडल इसका जरूर लॉक कर दीजिएगा। हाँ। ये आपका रिमोट आपका सिर्फ स्विच को लॉक करने के लिए होता है। हाँ। 2 मीटर रेंज के बाहर जाने के। अच्छा, प्लस आपका क्या है कि जैसे भी आप किसी मॉल में थिएटर में खड़े हैं, हाँ, इस कलर की सपोज स्कूटी 5 खड़ी है, हाँ, काफी व्हीकल्स होते हैं, हाँ, आपका अपना व्हीकल कौन सा है? हाँ। सेम इसी कलर की 5 खड़ी है। हाँ, हाँ। जब भी आप रेंज पे जाओगे, रेंज के बाहर 10 मीटर रेंज के अंदर जब आप आओगे, रिमोट में आपका स्कूटी का सिंबल बना हुआ है। 10 मीटर रेंज के अंदर सिंबल को पुश करोगे आप, बना हुआ पुश किया, आपके इंडिकेटर ब्लिंक कर जाएंगे। हाँ, हाँ, किया। यानी कि इस कलर की सेम स्कूटी का ड्रेस खड़ी है, इसमें ये आपकी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये इंडिकेशन वाला नहीं था। जी जी, तो आप हाईवे पे जाएंगे तो इसका माइलेज निकालेगी 55 के समथिंग निकालेगी आपका, ये स्कूटी आपका। आप हाईवे पे जाएंगे तो कितना? मिनिमम 55 दे देंगे माइलेज। अच्छा, बस आपका यहाँ पर रखिए, आपका जो लाइट्स हैं आपका एक्स्ट्रा दे दिए आपको, यहाँ का एलईडी लैंप है, यहाँ भी एलईडी लैंप है। अच्छा, प्लस इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे नॉर्मल 125 सीसी में आपका लाइट्स ऊपर होती है, इसमें आपकी यहाँ भी है, नीचे भी है एलईडी लैंप, और फ्रंट पे भी है।
जब भी आप हैंडल को मूव करेंगे किसी इंटीरियर क्षेत्र में किसी मोड पे आप जा रहे हैं उसको मूव करेंगे, अगर बेनिफिट ये मिलेगा सामने भी फोकस रहेगा तो जिधर आप मूव कर रहे हैं जिस गली में अभी फोकस जाएगा, ये डबल बेनिफिट हो गया आपका। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साइड स्टैंड सेंसर लगा तो स्टार्ट नहीं होगी आपका, ये भी अच्छा है। साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ है उसके नजर अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं अगर स्टैंड पर लगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कैसे मैं स्टैंड हटाया, देखिए स्टैंड हटाया ठीक स्टार्ट करेंगे नजर मुड़ के आके आपका अभी आपका स्टार्ट हो गया साइलेंट मोड में, तो फिर से स्टार्ट करिए। ये हमें थोड़ा पुश करने पे ये स्टार्ट होगी और इसका हम आपको एक जोश सुना देते हैं। इस गाड़ी का एक जोश कैसा है, फ्यूल नहीं है क्या? अच्छा एक बार थोड़ा ट्राई कीजिए, ये कुछ थोड़ा सा एग्जॉस्ट इसमें फ्यूल नहीं है, सॉरी गाइस, बट ये एक चीज है साइलेंट मोड में ये स्कूटी स्टार्ट होती है, काफी साइलेंटली वर्क कर रही है। और भैया ये टायर सेक्शन बता दिए क्या इसका, टायर सेक्शन कौन सा ब्रांड का? इसका जो फ्रंट टायर है वो 12 इंच का है, 12 इंच का टायर पड़ेगा। बैक टायर आपका जो है ये टायर आपका तो 10 इंच का है, कि 10 इंच का? हाँ जी, पहले तो सारा टायर सेम आते हैं, MRF की ब्रांडिंग है जी। और फ्रंट भी MRF की ब्रांडिंग, ओके। तो हमें यहाँ पे MRF की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, विद यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, राइट साइड में रिफ्लेक्टर हो गया, यहाँ पे हम लोग को DRL LED लाइट में वर्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे LED लैंप देखने को मिल जाता है। उसके साथ ये मिरर यहाँ पे हमें दिख जाएगा, यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पे एक्टिवा की बैचिंग देखने को मिल जाती है जो कि स्टील में वर्क है, और HSmart की स्टीकर में बैचिंग, और ये हमें ग्रैब रील देखने को मिल जाता है, हार्ड एल्यूमिनियम में यहाँ पे ग्रैब रील देखने को मिलता है। और यहाँ बैक में अगर हम टेल लाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने हम लोगों को हैलोजन में ही टेल लाइट देखने को मिलता है, और यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में हैलोजन में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्शन लाइट नंबर प्लेट देखने को यहाँ मिल जाता है, ये हमें एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है नंबर प्लेट के लिए होल्डिंग यहाँ देखने को मिल जाता है, ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया, और ये हमारा इंजन जो हम लोग बात कर ही चुके हैं। आप पावर बता दीजिए कितना ये पावर देती है इंजन? ये आपका 10.9 या समथिंग इसका टॉर्क है। हाँ आपका जो टॉर्क है 10.9 mm आपका है। अच्छा अच्छा जी। और दूसरा प्रश्न जब भी आपकी बैटरी जो है बैटरी का सिंबल इस पर आपको दिया हुआ बना हुआ है, जब भी आपकी बैटरी वीक होने वाली होगी विद इन जबकि आपकी बैटरी वीक होने वाली होगी बिफोर 1 वीक ये आपका इसके इंडिकेटिंग को शो कर देगा इसका सिंबल। अच्छा, कि आपकी बैटरी वीक होने वाली है। हाँ। ताकि आपको समय रहते इसको आप बैटरी को वारंटी में अच्छा यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है गाइस। और एक चीज अभी यहाँ पे जब हम लोग बैटरी स्विच करा रहे तो हमारे यहाँ पे बैटरी का जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके नीचे ग्राउंड क्लीननेस ठीक है, सही है, यहाँ लड़ने वाली नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि बम्पर पड़ते हैं तो लड़े। 12 इंच होने की वजह से आपका बढ़ गया, आपका टच नहीं करेगा। अच्छा, और सॉकर भी आपके पहले से बढ़िया होगा, टेलीस्कोपिक सेंसर आपके फ्रंट टेलीस्कोप है, सेंसर आपकी जो है टेलीस्कोपिक हो गए। अच्छा, पहले आपका 4G 5G वगैरह में छोटे सॉकर होते थे आपके। हाँ, अब देखिए आप ये देख रहे हैं सॉकर दोनों साइड में। जी जी, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपके हैं। हाँ, ऑयल आई व्हील आपको दे रखा है, सबका माइलेज बढ़ गया आपका। अच्छा, अपडेट कर दिए रेयर में, मतलब बैक में हम लोग को कौन सा सॉकर देखने को मिलता है? वो आपका सिंगल सॉकर होता है, रेयर में सिंगल स्टूडियो में होता है आपका। अच्छा, सिंगल सॉकर, ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, होंडा की बैचिंग देखने को मिलती है, ये हमारा स्मार्ट HSmart की यहाँ पे कीज का फंक्शन हो गया, और ये हमें प्रेस करने पे सीट यहाँ पे फ्यूल का खुल जाएगा, प्रेस करने पे यहाँ पे सीट खुल जाती है, और इसमें बस एक चीज है कि हम लोग को डिग्गी ओपन करने पे यहाँ पे लाइट देखने को नहीं मिलती है, और चार्जिंग पोर्ट नहीं है क्या भैया? चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी। अच्छा भैया, इसमें अपने किसी भी फीचर्स में आपका ब्लूटूथ आपका चार्जिंग पॉइंट नहीं देता है। बस एक इस गाड़ी, ये वैसे भी होंडा की जो है मैं पहले ही बता चुका, इतनी डिमांडेबल ये स्कूटी है, बस एक छोटा सा एडवांटेज है कि इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, पर इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, इतनी बेहतरीन वो वर्क पहले से ही कर रहा है, अगर ये चीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और काफी प्यारा लुक है। जस्ट उसके बगल में ये भी HSmart में खड़ी है क्या? हाँ, ये हमें ये कौन सा कलर है? ये मैरून कलर में ये स्कूटी खड़ी है, काफी प्यारी ये दोनों कलर देखने को मिल रही है। सो गाइस, तो हम लोगों ने काफी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, हमारे प्रबल भैया ने बहुत हेल्प किया, थैंक यू भैया, और जो कि हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन बेहद तक दे ही चुके हैं, जितने हो सकता था उतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, मेन दे दिया इन्फॉर्मेशन कि स्कूटी में क्या क्या नई अपडेट्स आए हैं। तो
आई थिंक आप लोग को मिल गया होगा इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए गाइस इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर वॉच इट।